बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं दोबारा खूनी दोमेल वाली जगह पर खड़ा हूं। इससे पहले जो मैंने यहां पर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि यहां पर दफ़ा 144 नाफज है और उसके बावजूद भी यहाँ लोग कुछ गुसल कर रहे थे। लेकिन आज जो मेरा यहाँ पर खूनी दोमेल पर दोबारा यहाँ पर आया हूँ, आज मैंने ये बताना है कि यहाँ पर जो खूनी दोमेल वाली जगह है, यहाँ पर दरिया नहल आता है, यहाँ पर जिसको बांध या नहल कहते हैं, उन दोनों के पानों के में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये भी आप लोग गौर से देखें, जो इस वक्त ये जो नाले वाला पानी है, जो इस तरफ से एक बड़ा सा नाला आता है पानी का, उसको आप लोग देखें, ये वाला जो पानी है बिल्कुल सफ़ेद रंग है। ये मैं अभी आपको करीब जाके लेकर बताता हूँ, ये कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये अभी इस पानी की तरफ जो पानी, जो नाले वाला पानी है, ये पानी आपको जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का पानी नज़र आ रहा है ये वाला। अब मैं आपको दूसरी तरफ यहाँ पर खूनी दोमेल के पास में खड़ा हूँ और ये दरिया का पानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका रंग अगर आप लोग, ये कैमरामैन दिखाएगा यहाँ पर, इसको बहुत क्लोज करके दिखाइएगा। ये जो दरिया का रंग है इस वक्त पानी का, वो इंतहाई गंदला पानी है, जो साफ पानी होगा, और दूसरी तरफ वो पानी है जो कि इंतहाई गंदा पानी है, यानी कि मट्टी रंग वाला। ये दोनों के दोनों पानी जो इस वक्त खूनी दोमेल के पास दरिया में शामिल हो रहे हैं। और अभी आप लोगों के सामने ये देखें, ये खूनी दोमेल आपको वाजिया तौर पर नजर, ये इस वक्त देखें आप लोग, दरिया पूंछ में खूनी दोमेल के पास में इस वक्त खड़ा हूँ। और अभी आप लोग देखें यहाँ पर आपके सामने वो जो खूनी दोमेल वाला पहाड़ है वो आपको सामने नज़र आ रहा है। लेकिन आज की जो वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खूनी दोमेल है इसमें जो पानी दो शामिल हो रहे हैं, तो ये दोनों के जो तो पानी के रंग है, एक तरफ जो देखें जो दरिया का पानी आपके सामने नज़र आ रहा है वो देखें पानी की तरफ तेज़ी से आ रहा है, और ये इसका रंग जो देखें अभी आप लोग, यानी कि मट्टी का रंग है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जिस इलाके से ये पानी आ रहा है, ये मकबूजा कश्मीर के इलाके पुंछ से ये दरिया आ रहा है, तो वहाँ इसका मतलब ये कि बारिशें हो रही है, इस वजह से इसका रंग जो मट्टी वाला रंग है। और ये जो दूसरा तरफ आपको मैं पानी का ये नाला वाला बता रहा हूँ, ये जो पानी का बड़ा नाला है, बांध कहते हैं हम इसको, इसका पानी आप लोग यहाँ पर इसको भी देख लें आप, ये जो पानी है ये बहुत ही वाजिया तौर पर नज़र आ रहा है। और दोनों के जो दो पानी के रंग हैं ये एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ हैं, ये भी आप लोग सामने देखें। ये जो आपके पास दरिया का पानी का रंग है वो गदला है, और ये दूसरा जो पानी का रंग है वो वाला इंतहाई साफ पानी है आपके पास। ये देखें अभी जहाँ पर मैं खूनी दोमेल के पास खड़ा हूँ, और ये अभी आपको मैं दरिया की तरफ दिखाना चाहता हूँ, जब ये दोनों पानी, एक तरफ दरिया का गंदा पानी और दूसरी तरफ ये बांध का जो साफ पानी है, ये दोनों पानी जब दरिया में मिल जाते हैं, तो अभी आप लोग गौर से देखें ये पानी, अभी आप कैमरामैन दिखाइएगा कि ये वाला जो पानी जब दरिया में शामिल हो जाता है तो ये कितना गंदा हो जाता है, और ये दोनों साफ और गंदे पानी मिलकर ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं। और साथ में अभी आप लोग देखें ये वाला जो पुल है वो दरिया है जो पुंछ के ऊपर बनाया गया, ये तथा पानी वाला पुल है, ये भी आपको यहाँ से खूनी दोमेल वाली जगह से आपको वाजिया तौर पर नज़र आ रहा है। मैं देखें इस वक्त जो खूनी दोमेल है उसके पास इस वक्त खड़ा हूँ, और ये मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखा रहा है, ये सामने देखें वो सर पार नज़र आ रहा है, ये वो जगह है जो खूनी दोमेल वाली जगह है। और यहाँ पर देखें कि दरिया का पानी है जो गंदला, और दूसरी तरफ ये जो आपके पास बांध का पानी आ रहा है ये इंतहाई साफ पानी है। दफ़ा 144 लगाया गया है, और यहाँ पर लोगों को पाबंदी भी लगाई गई है कि गुसल करना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है ना यहाँ पर देखें जो बांध का साफ पानी है उसको देखते हुए यहाँ पर गुसल कर रहे हैं। ये भी देखें कुछ लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और ये पानी से जो साफ पानी है बांध का उसे ही इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है ना वो दफ़ा 144 लगाया हुआ है, लेकिन वो उस जगह पर नहीं जाते जहाँ पर गहरा पानी है, या उस जगह पर गुसल कर रहे हैं जहाँ पर पानी कम गहरा है और साफ पानी है, इस वजह से यहाँ पर ये गुसल कर रहे हैं। अगर ये वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर दफ़ा 144 है तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती, लेकिन ये अभी जिस जगह पर ये गुसल कर रहे हैं ये वाली जो जगह है यहाँ पर, चूँकि ये साफ पानी है और यहाँ पर थोड़ा पानी है, इस वजह से यहाँ पर ये लोग अभी आपके सामने देखें यहाँ गुसल कर रहे हैं। ये देखें अभी मैं अभी आप लोगों के सामने खूनी दोमेल वाली ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर ये जो नहल कहते हैं या बांध कहते हैं, यहाँ पर ये जो पानी आ रहा है, और ये पानी मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो पानी है, अभी आप लोग गौर से अगर इसके ऊपर आप देखें, ये बहुत ही
साफ पानी है और यही पानी जाके खूनी दो मेल वाली जगह पर दरिया के साथ मिलता है। आप लोग गौर करेंगे इस पानी के ऊपर देखना है आप लोगों को, ये वाला सारे का सारा पानी बहुत साफ और शवाब नज़र आ रहा है। बुनियादी तौर पर ये वाला जो पानी है ये आज़ाद कश्मीर के ऐसे इलाकों से आता है जहाँ पर इस वक्त बारिशें रुकी हुई हैं, इस वजह से यहाँ पर यह पानी जो है ना वो बिल्कुल साफ और शफाफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखें वो जो खूनी दो मेल की तरफ आप लोग लेकर कैमरा लेके जाएं, जब यही पानी खूनी दो मेल वाली जगह पर दरिया के साथ शामिल होता है और उस वक्त इस पानी का रंग सारे का सारा तब्दील हो जाता है। इसलिए यहाँ पर यहाँ का पानी साफ है और जो दरिया का पानी है वो गदला है। और आर का जो मेरा मौजू यही है कि जो खूनी दो मेल वाली जगह है यहाँ पर दो पानी आपस में मिलते हैं और दोनों के दोनों पानी का रंग एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ है। यह भी एक खुदा की कुदरत है जहाँ पर जो खूनी दो मेल वाली जगह पर आपको वाजह तौर पर नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल खैरियत है? देखिए जी, मैं इस वक्त जो खूनी दो मेल है उस जगह पर खड़ा हूँ और यहाँ पर एक भाई साहब ये गुसल करने के लिए आए और इन्होंने ऐसी जगह पर गुसल किया जहाँ पर पानी कम गहरा था। इनको मालूम था कि यहाँ पर जो गहरा पानी है वहाँ पर 144 है, लेकिन इन्होंने ऐसी जगह पर गुसल किया है जहाँ पर पानी कम गहरा है और साफ ही है। सर अब अभी आप अपने बारे में तारुफ कराएँ कि आप कहाँ से आएँ। जी जी, इधर भाजी साहब के ओस पर गए हुए थे, सोटा के रहने वाले हैं, यूसुफ नाम है। सर आप क्या काम करते हैं? जी जी, स्कूल नायब कासिद उधर सोटा। सर ये बताएं, अभी आप यहाँ पर दफा 144 है तो अभी आपको ये मालूम था कि आपने वहाँ पर गुसल किया है कि या वैसे ही आपने पानी साफ देकर वहाँ पर गुसल किया है? नहीं, दफा देखा है, इधर लगा हुआ था बड़े नाले पे, हमने साइड पे किया है कोई ऐसा। यहाँ पर ये कह रहे हैं जी इनको दफा 144 का पता था इसलिए यहाँ पर वो गहरे पानी में नहीं गए। सर कुछ और जो अभी आप बताना चाहें इस हवाले से, यहाँ पर जो पानी की कितने लोगों की अमवात हुई है इस हवाले से कोई खास बात आप बताना चाहें आवाम को? जी बहुत पहले बहुत मौतें हुई हैं इधर जी, पहाड़ी के रहने वाले थे, इधर जो है ना रिया के रहने वाले थे, बहुत आदमी। सर आपके जाने वाले यहाँ 50 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, आप किसी ऐसे बंदे को नाम बताएं जो जानने वाले आपके जहाँ पर जो जिनकी यहाँ पर मौत हुई है उसके वाले सर आप हमें ज़रा बताइएगा। वो कृषियों की लड़की थी एक, दो तीन साल पहले। अच्छा सर, ये दो तीन साल पहले जो कराची की लड़की थी वो यहाँ फोत हुई है। सर ये और कोई इस हवाले से मुझे सारा बताना? और बड़े बड़े अरसे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा प्लीज अपने नाज़रीन को बता दें। बहुत 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 ज्यादा अरसे हुए हैं इधर, बहुत ज्यादा, यानी कि कम से कम यहाँ जी 50 से ज्यादा बात हुई है। जी जी 50 से ज्यादा हुए हैं। जी जी बिल्कुल सही है, नाले पे ना नहाए, साइड पे नहाए, पहले तो नहाना ही नहीं चाहिए यहाँ। जी 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 जी, ये इस वक्त जो खूनी दो मेल वाली जगह पर हूँ यहाँ पर जिन भाई साहब से मैंने अभी इंटरव्यू लिया था और जिन्होंने बताया था कि हमने जो पानी में गुसल किया है वो कम गहरे में किया है। और यहाँ पर ये अभी पानी के हवाले से बताना चाहते हैं, जो आज की मेरी बुनियादी तौर वीडियो है वो यह कि यह दो पानी मिलते हैं, एक तरफ दरिया का गंदा पानी है और एक तरफ ये जो बांध है या नहल है उसका साफ पानी। इस हवाले से ये यूसुफ भाई हमें कुछ बताना चाहेंगे। ये यूसुफ साहब, ये अभी अपनी आप बताएंगे नाजरीन को, ये जो जहाँ पर खूनी दो मेल वाली जगह है ये दो जो पानी मिल रहे हैं इनके बारे में आपके क्या तासरात हैं? ये खुदा की कुदरत है जी, एक तरफ से पुंछ दरिया आ रहा है, दूसरी तरफ से नहल आ रहा है, नहल का साफ पानी है। जी जी, नहल का साफ पानी है और दरिया का जो है ना वो पुंछ दरिया पर खड़े हैं। जी जी, पुंछ दरिया पर इस वक्त खड़े हैं। जी जी, नहल का पानी जो है ना वो साफ है तो दरिया का जो है ना वो गंदा पानी है, मैला पानी है। जी 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 जी, तो ये बहुत ख़तरनाक, ये खुदा की कुदरत है, ये बहुत ख़तरनाक जगह है, 50 से ज़्यादा मौतें हुई हैं इधर। जी जी, बहुत जी जी जी, मेरा आवाम से पैगाम है इससे बचो और साइड पे गुसल करो। खुदा की कुदरत भी देखो। जी 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 जी, बच्चे भी जगह से आप। जी जी जी, बच्चे भी। सलाम वालेकुम जी दोस्तों, दो मेल देखो जी और दरियाए पहुँच जा रहा ने, नहल जा रहा ने, नहल ना पानी साफ ने, दरियाए पुंछ ना पानी खदोल ने। आए अस भी मरण वास्ते, इतना डूंगे नहाने, पर तुमने मीडिया ने बंदे देखे थे अस साइड पर पौधले पानी नहा पे हाँ जिते नहाना जरूरी सी सा। दफा 144 है इस डाबी में नहाना, इस तो पिछले पिछले तुम नहा सकते हो। ज्यादा कोशिश करे कि जनाब अली जिते पानी ज्यादा है उत्थे बच्चों की ना जान दो, अपने बच्चों ने आप खुद हिफाजत करो। बहुत ज्यादा इतना अगर मौत हुई ने, इंसान जानवर यानी कि जानदार चीज़ा बहुत ज्यादा नुकसान हुई हैं। अल्लाह ने वाले अपने बाल बच्चे का ख्याल रखो,
अपनी सेहत का ख्याल रखो, खुदा हाफिज। आप लोग यहाँ वाजिया तौर पर देख सकते हैं कि ये जो खूनी दो मेल वाली जगह है, जो नहर का पानी आ रहा है उसका पानी का रंग अभी आप लोग देखें, बिल्कुल जो सफ़ेद रंग का पानी है। अभी आप लोग गौर से देखें, ये जो नहर वाला पानी है इसका रंग आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग देखें और जो दरिया के पानी का रंग है वो गदला रंग है, मिट्टी का रंग है। और ये भी खुदा की एक कुदरत है कि एक तरफ से पानी साफ और शफाफ आ रहा है और दूसरी तरफ से ये जो दरिया का पानी है वो गदला पानी आ रहा है। और ये दोनों पानी अभी आप लोग सामने देख सकते हैं, जिस वक्त ये दरिया में शामिल हो रहे हैं दोनों पानी, तो इनका रंग एक जैसा हो जाता है। और ये भी खुदा की एक बहुत बड़ी कुदरत है। यहाँ पर खूनी दो मेल में दो मुख्तलिफ़ रंगों के पानी एक की जगह पर जमा हो रहे हैं और ये दोनों पानी आपको यहाँ पर वाजिया तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये भी आप लोग देखें, यहाँ पर जब मैं खूनी दो मेल वाली जगह पर खड़ा हूँ, ये भी आप लोग देखें, जो नहर का पानी आ रहा है वो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि साफ और शफाफ पानी है। और ये देखें जो पहाड़ साथ साथ जहाँ पर खूनी दो मेल के, ये भी आपको वाजह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और ये सामने देखें, यहाँ पर खुदा की कुदरत है। अभी आपके सामने ये वाला जो पानी है, ये जो नहर का पानी है, ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का साफ पानी नज़र आ रहा है। ये भी आप लोग गौर से देखेंगे, यहाँ पर ये जो पानी है नहर का बिल्कुल साफ़ है। और ये बिल्कुल आप लोग अभी अपने सामने देखें, ये जो दरिया का पानी है वो मिट्टी रंग का गदला पानी है। ये दोनों के दोनों पानी जिस जगह पर मिलते हैं, इस जगह को खूनी दो मेल कहते हैं। और ये दोनों पानी के रंग एक जैसे हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी खुदा की कुदरत है, जो मैं कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि खूनी दो मेल वाली जगह पर दो मुख्तलिफ रंगों के पानी जब आपस में शामिल हो रहे हैं और एक जैसे हो जाते हैं, और यही खुदा का बड़ा मौजा है जो भी आप लोगों के सामने है। खूनी दो मेल वाली जगह पर दो पानी के रंग एक जैसे हो जाते हैं और ये सारे का सारा मंजर अभी आप लोगों के सामने है, जिसको आप लोग यहाँ से बराह रास्त देख सकते हैं। मैं इस वक्त जो खूनी दो मेल वाली जगह पर खड़ा हूँ और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ आपके पास जो पानी का नहर आता है और दूसरी तरफ जो दरिया का पानी आता है, दोनों पानियों के रंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तरफ नहर का जो पानी है वो बहुत साफ है और दूसरी तरफ जो दरिया का पानी है ये बहुत ही गदला पानी है। और ये खुदा की एक कुदरत है। देखिए, दो मुख्तलिफ रंग के पानी एक जगह पर मिलते हैं और वो जगह भी बड़ी ख़ास जगह है, जिसको हमने खूनी दो मेल का मैंने नाम दिया है। और ये खूनी दो मेल वाली जगह आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो जब मैंने आज खूनी दो मेल वाली जगह पर बनाई है, जिसमें दो मुख्तलिफ रंग पानी आपको दिखाएँ और खुदा की कुदरत आपको मैंने दिखाई है, यकीनन आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को शेयर करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।